यानी कालाना तूने देसी मर का। अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी। स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आतस तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन अगर तू ठान ले जरा। टूर्नामेंट किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। It's a money spinner. ये मेरा चैलेंज है। मिस्टर ब्रिगेंजा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे? नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे। A country with billion people. And now by sanctioning RTF, you mean to say ये जो सड़कों पे लड़ते हैं, वो सीधा इंटरनेशनल फाइटर से लड़ेंगे? सड़कों पे गली क्रिकेट खेलने वाले नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं देखे आपने? इंडियन स्पोर्ट्स का हर चैंपियन शायद सड़क से उठ कर आया। मैम, एक्स फाइटर मिस्टर बाज रावत फील्स वेरी स्ट्रांगली फॉर द R2F. आई डोंट एग्री विद मिस्टर बाज रावत। हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो। ब्रेन पावर इज द मेन पावर, यू सी। व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑल अबाउट? फाइट भी तो ब्रेन से लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म। स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब लगता है इस गेम में। यू गॉट टू थिंक ऑन योर फीट ओर यू आर डेड। ए पीटर, जाएगा क्या? बोलना, जाएगा क्या? अरे जाएगा नहीं, गया। तेरी बारी है कमल कस ले, मेरे बस में है सारे मसले, तेरे टूटे हुए दिल की जमीनों पे हिम्मत की उगाए फसले, तेरे हाथों में गरम है तेरा और खून गरम है तेरा, कोई तीर निशाने से चूके ना, जम के कदम रख ले। खुद में तू हथियार है, लड़ने को तैयार है,